टर्टल वाइन पौधा अपनी हरी और चमकदार पत्तियों के लिए पसंद किया जाता है। पौधे में छोटे छोटे सफ़ेद रंग के फूल खिलते हैं। टर्टल वाइन का पौधा साल भर लगा रहता है। फूल मौसम में आते हैं। मैं स्नेह, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टिडबिट्स ऑफ लाइफ में। टर्टल वाइन सकुलेंट फैमिली का पौधा है। कम केयर में भी हेल्दी रहता है। आज के वीडियो में मैंने शेयर किया है फूल पाने के लिए पौधे की केयर कैसे की जानी चाहिए। पौधे की पत्तियाँ टर्टल्स और रेप्टाइल को खिलाने के काम में आती हैं। पौधे को टर्टल वाइन के नाम से भी जाना जाता है। टर्टल वाइन के और भी कई नाम हैं। कई वैरायटी और भी हैं जिनके नाम और पत्तियों के रंग अलग अलग हैं। टर्टल वाइन के पौधे को पॉट में या हैंगिंग बास्केट में दोनों जगह लगाया जा सकता है। जिस पॉट में लगा होता है जल्दी ही उसे पूरा कवर कर लेता है। हैंगिंग बास्केट में लगे हुए इस पौधे को मैंने 5-6 महीने पहले लगाया था। फूल सितंबर में आने शुरू हुए, अभी तक खिल रहे हैं। गहरे हरे रंग की पत्तियों वाले इस पौधे की स्टेम बैंगनी रंग की होती है। फूल सफ़ेद रंग के खिलते हैं। पौधे को कटिंग की सहायता से लगाया जा सकता है। कटिंग छोटी हो या बड़ी जल्दी ही लग जाती है। पौधे की ग्रोथ तेजी से होती है। बढ़ती हुई स्टेम को जहाँ भी मिट्टी मिल जाती है रूट्स बनने लगती है। पौधा नीचे की तरफ बढ़ता है। तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। पौधे की लंबाई ज़्यादा बढ़ने पर नीचे से कटिंग करते रहना चाहिए या कटिंग्स लेकर दूसरी जगह लगा देना चाहिए। फूल खिलने के 1 महीने पहले से पौधे की कटिंग नहीं की है। पौधे को साल में कभी भी कटिंग की सहायता से लगाया जा सकता है। जहां नोड्स होती है पत्तियों के पास ही रूट्स बाहर की तरफ निकली होती हैं। रूट्स के साथ नोड्स को मिट्टी में दबा देने से पौधा 2-3 दिन में ही लग जाता है। मिट्टी मिलने से रूट्स ज़्यादा निकलती हैं। कटिंग्स कम जगह में या छोटे पॉट में भी लगाई जा सकती है। कुछ कटिंग्स मैंने प्लास्टिक के छोटे ग्लास में लगाई थी। 3-4 दिन में ही पौधे तैयार हो गए हैं। टर्टल वाइन के पौधे को इंडोर या आउटडोर दोनों जगह रखा जा सकता है। पौधे को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां रोशनी और हवा आती रहे, सुबह या शाम की 1-2 घंटे की धूप मिल सके। टर्टल वाइन के पौधे को बालकनी में या खिड़कियों पर लगाना चाहिए। पौधे पर तेज धूप सीधी नहीं पड़नी चाहिए। ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट पड़ते रहने से पत्तियों में शाइन बनी रहती है। गर्मी के मौसम में पौधे के ऊपर सीधी धूप ज़्यादा देर तक नहीं पड़नी चाहिए। पौधे की पत्तियां जल जाती हैं, पौधा सूख सकता है। सर्दी के मौसम में पौधे को सूखी हवा से बचाना चाहिए। सॉइल में मॉइस्चर बने रहना ज़रूरी है। मिट्टी पूरी तरह से सूखनी नहीं चाहिए। पौधे को ह्यूमिडिटी ज़्यादा पसंद है। ऐसी जगह पर जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है ग्रोथ तेज़ी से होती है। पौधे के चारों तरफ ह्यूमिड बनाए रखने से पौधा हेल्दी रहता है। पत्तियों का रंग हरा और चमकदार बनाए रखने के लिए खाद की ज़रूरत होती है। टर्टल वाइन के पौधे इतने घने होते हैं, मिट्टी को पूरी तरह से ढक लेते हैं। खाद डालने के लिए मैंने इसमें लिक्विड खाद डाली है। लिक्विड खाद डालने से खाद मिट्टी के अंदर तक पहुंच जाती है। पौधे में बहुत ज़्यादा खाद नहीं डालना चाहिए। 2-3 महीने के बाद मैंने कंपोस्ट टी का यूज़ किया है। फूल आने के पहले 15-15 दिन के बाद खाद 2 बार डाली है।
टर्टल वाइन का जो पौधा हेल्दी होता है, जिसकी ग्रोथ अच्छी होती है, फूल उसी पर आते हैं। ऊपर के स्टेम में 3-4 नोड्स पे फूल खिलते हैं। 1-2 दिन में फूल सूख जाते हैं। फूल सूखने पर कुछ दिनों बाद ही नए फूल खिल जाते हैं। फूल 1-2 महीने तक खिलते रहते हैं। फूल छोटे होते हैं, लेकिन बहुत सारे एक साथ खिले हुए सुंदर लगते हैं। हल्की खुशबू वाले फूलों को मधुमक्खी और तितलियाँ पसंद करती हैं। पौधा साल भर लगा रहता है, फूल मौसम में आते हैं। फूल खिलने के मौसम में मिट्टी में नमी बनाए रखना जरूरी है। मिट्टी पूरी तरह से सूखनी नहीं चाहिए। टर्टल वाइन के पौधे रेतीली मिट्टी में लगाए जाते हैं। मिट्टी अगर रेतीली नहीं है, थोड़ी मात्रा में रेत मिलाई जा सकती है। पौधे को लगाने के लिए सॉयल सॉफ्ट होनी चाहिए। ऐसी मिट्टी के अंदर पौधे की रूट्स आसानी से फैलती हैं। पौधा मैंने हैंगिंग बास्केट में लगाया है, जिसके लिए हल्की और नरम मिट्टी तैयार की है। 30% नॉर्मल गार्डन सॉयल में 30% कोकोपीट, 30% वर्मी कंपोस्ट के साथ 10% नीम की खली मिलाई है। नीम खली पौधे की रूट्स को सड़ने से बचाती है। पौधा लगाने में जितना आसान है, खराब भी जल्दी ही हो जाता है। टर्टल वाइन के पौधे में पानी तभी देना चाहिए जब मिट्टी हल्की सी सूख जाए। मिट्टी में पानी ज़्यादा होने से रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती, पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं, पौधे में फंगस लग सकती है, स्टेम टूट टूट कर गिरने लगती हैं। पौधे की स्टेम काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, छूते ही टूट सकती हैं। टूटी हुई स्टेम से भी पौधे बनाए जा सकते हैं। आसानी से लगने वाला पौधा है, टूटी हुई स्टेम को मिट्टी में लगा देने से पौधा तैयार हो जाता है। पौधे की पत्तियों को कीड़ों के काटने से या बीमारी लगने से बचाने के लिए नीम ऑयल का स्प्रे 10-15 दिन के बाद करते रहना चाहिए। 1 लीटर पानी में 2-3 बूंद नीम ऑयल के साथ 1/2 चम्मच लिक्विड सोप मिलाकर स्प्रे तैयार किया जा सकता है। सड़ने से बचाने के लिए फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड डालते रहना जरूरी है। 1 लीटर पानी में 2-3 बूंद इमिडाक्लोरोपिड, 1 ग्राम साफ फंगिसाइड डालकर पौधे की मिट्टी में दिया जा सकता है। पत्तियों के साथ ही रूट्स अगर ज़्यादा खराब हो रही है, पौधे को निकालकर रिपोर्ट कर देना चाहिए। केयर करते रहने से पौधा हेल्दी रहेगा, मौसम आने पर फूल खिलेंगे। पौधा और फूल अगर पसंद आया हो, कमेंट्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे जल्दी ही किसी नए फूल और पौधे के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।